लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट शुड अ मैन लर्न टू डू. एक आदमी को, एक शख्स को क्या करना चाहिए. टू लव अदर पीपल, टू डिस्टर्ब अदर पीपल, टू सपोर्ट अदर पीपल, टू राइट टू अदर पीपल. द करेक्ट ऑप्शन इज टू लव अदर पीपल. ओके, इस पॉइंट में यही बताया गया था ना कि एक इंसान को सीखना चाहिए टू लव अदर पीपल. इन व्हाट थिंग्स शुड वी ट्रस्ट. इन पेरेंट्स, इन फ्रेंड्स, इन कजिन्स, इन गॉड एंड हेवन. अकॉर्डिंग टू पॉइम वी शुड ट्रस्ट इन गॉड एंड हेवन. द करेक्ट ऑप्शन इज इन गॉड एंड हेवन. Man must learn to think clearly, securely, slowly, bravely. Clearly. Correct option is clearly. A man should love his fellow man sincerely, securely, slowly, bravely. The correct option is sincerely. He must trust in God clearly, securely, slowly, bravely. He must trust in God. The correct option is securely. Okay. He must act with honest motives clearly, securely, slowly, purely. According to point, the correct option is purely. ओके, ओपन पेज नंबर 7. राइट द राइमिक वर्ड्स फ्रॉम द पोइम. इस क्वेश्चन में आपने पोइम से राइमिंग वर्ड्स को लिखना है. अब इन वर्ड्स का क्या मतलब है. इन वर्ड्स का मतलब ये है कि एक जो वर्ड आपके पास दिया गया है क्लियरली, इससे मिलते जुलते लफ्ज़ आपने ढूंढने हैं, ठीक है, जो इस जैसी साउंड को प्रोड्यूस करें. पॉइंट में जाते हैं. क्लियरली इससे मिलते जुलते कौन से हो सकते हैं. क्लियरली, सिंसियरली, प्योरली, सिक्योरली. यानी आपके पास ये तीनों लफ्ज हो सकते हैं, सिंसियरली, प्योरली एंड सिक्योरली. तो आप इन तीनों में से कोई भी लिखते हैं. प्योरली, सिक्योरली. ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर. Common and proper noun. First we should know about the noun. What is noun? Noun किसे कहते हैं. Noun किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है. जैसे कि अली, आमना, क्लास, चेयर, स्कूल, ये सारे किस में आते हैं. ये noun में आते हैं. तो दूसरी डेफिनेशन आप noun की ये भी ले सकते हैं. Any naming word is called noun. ठीक है, कोई भी नाम. Any naming word is called noun. कोई भी नाम दिया जाएगा, जैसे table, जैसे laptop, ठीक है, pen, book, तो ये सारे क्या हैं, ये noun हैं. फिर जो है noun की दो types होती हैं, common and proper noun. First of all, we read common noun. What is common noun? Common nouns are words for general people, animals, places or things. ठीक है, ये generally use होता है. Generally मतलब जो सब के लिए use हो, ठीक है. जैसे हम बात करते हैं class, तो class में हमने किसी specific, किसी एक student का नाम तो निकाल किया, हमने class की बात की है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कौन सा noun है, ये common noun है, ठीक है, जिसमें सब की बात हो जाए, सब की बात हो जाए, उसको कहते हैं कॉमन नाउन. अगर लोगों की बात की जाए, दीज आर वर्ड्स फॉर पीपल. एक्टर, लॉयर, बेबी, मैन, पुलिस, सिंगर, डॉक्टर, ठीक है, टीचर. टीचर यानी सारे टीचर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन हुआ. अब नेम फॉर एनिमल्स, इसी तरह एनिमल्स के लिए cow, cat, cat मतलब सारी cats की बात हो रही है.
डॉल्फिन, माउस एट्सेट्रा. ओके, वर्ड्स फॉर प्लेसेस, सेम. प्लेसेस के लिए भी कॉमन नाउन कैसे होगा, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, होटल, मार्केट, ठीक है. तो ये सारे क्या हुए, कॉमन नाउन. और कॉमन थिंग्स के लिए भी, चीज़ों के लिए, यानी बॉक्स हो गया, बैग हो गया, वैन, चेयर, कप, ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन. क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन ऑन पेज नंबर 8. द व्हाट इज प्रॉपर नाउन, इसके नाम से आपको पता चल रहा है. व्हाट इज प्रॉपर, प्रॉपर मतलब एक मखसूस. प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स फॉर पार्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ओके, प्रॉपर यानी जो सब के लिए अलग अलग यूज़ हो. जब हमने क्लास की बात की तो वो हुआ कॉमन, ठीक है, वो कॉमन नाउन हुआ.